हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों हम अध्ययन करेंगे रंगरसायन पुस्तक से, जो हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक है रंगरसायन पुस्तक से, उनसे हम उसमें से एकांकी पढ़ेंगे, जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी मकड़ी का जाला। तो पूर्व में हम जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं, पूर्व का इसका जो एक भाग हमने पढ़ा है उसमें, उसके बाद में हम प्रारंभ कर चुके हैं इसे और इसका एक पृष्ठ हम उसमें पढ़ भी चुके हैं। अब आ जाइए आप पृष्ठ संख्या 107 पर, मकड़ी का जाला एकांकी पृष्ठ संख्या 107 रंग रसायन पुस्तक से, जिसमें भोलानाथ का क्लर्क के साथ में जो संवाद चल रहा है वहाँ पर इसके मध्य से प्रारंभ करते हैं। भोलानाथ कहते हैं, आइए आइए मिस्टर चंद्रभान, बैठिए। चंद्रभान बैठता है, भोलानाथ चंद्रभान से कहते हैं, स्मोक कीजिएगा। चंद्रभान, अभी शुरू तो नहीं किया है। भोलानाथ, यह भी अच्छा है, लेकिन मेरा तजुर्बा है कि अलावा सोसाइटी में कॉन्सेंट्रेशन की खातिर भी सिगरेट पीना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। चंद्रभान, जी हाँ, मैंने बहुत से बड़े आदमियों को किसी न किसी तरह का स्मोक करते देखा है। भोलानाथ, आप भी बड़े आदमी बनने का अरमान रखते हैं। चंद्रभान, अरमान किसके नहीं होते, लेकिन हाँ, अगर आपकी मेहरबानी रही तो शायद कुछ उन्नति कर सकूं। भोलानाथ, तो उन्नति के लिए जो साधन जरूरी है उन पर आप अमल करेंगे? चंद्रभान, जी हाँ, जरूर कोशिश करूँगा। भोलानाथ, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, आपके कैरियर और सर्टिफिकेट्स को देखते हुए ही मैंने आपको रखा है। मैं नए आदमियों को मौका देना चाहता हूँ, उसमें जोश होता है काम के लिए। कानपुर एजेंसी की असिस्टेंट मैनेजरी जिम्मेदारी का काम है, एक मुनासिब आदमी के लिए राइज करने के लिए अच्छे मौके हैं। आप जल्दी ही मैनेजर तक बन सकते हैं। चंद्रभान कहता है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मुझे उम्मीद है कि मुझे आपसे हमेशा सीख मिलती रहेगी। सीख मैं आपको जरूर देता रहूँगा, इसलिए तो मैं आपको बुलाया करता हूँ। इब्तिदा आज ही कर दीजिए। भोलानाथ कहते हैं, आज ही आप इस चीज़ की शुरुआत कर दीजिए। बनी हुई आवाज़ में, आप जैसे नौजवानों को राह दिखाने में मुझे बहुत संतोष मिलता है, लेकिन एक शर्त है। चंद्रभान, शर्त? भोलानाथ, जी हाँ, शर्त, और वह यह है कि अगर आप रंगीन चश्मे पहनने के आदि हो तो उन्हें उठाकर रख दीजिए। खुली धूप में नंगी आंखों से चीज़ों को देखने की आदत डालिए। चंद्रभान, रंगीन चश्मे? भोलानाथ कहते हैं, आप समझे नहीं, आपने तो अपनी दरख्वास्त में लिखा था कि कविता करने में आपको कुछ इनामात मिल चुके हैं। चंद्रभान, कविता तो क्या? हाँ हाँ, कभी कभी उमंगे आने पर तुकबंदियाँ कर लेता हूँ। तो सुनिए, उन उमंगों का अब आपको साथ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उनका मेरे काम पर तो कोई बुरा असर नहीं पड़ सकता ना। अगर मैं हवा में हिलती पत्तियों की पुकार सुनता रहूँ या चांद से अटकेलियाँ करने वाले बादलों से मोहित होता रहूँ तो इसमें कोई बुराई तो नहीं? भोलानाथ, मिस्टर चंद्रभान, अगर मेरी जगह कोई और मैनेजिंग डायरेक्टर होता तो इस बात को सुनकर आपको जगह तो क्या बैठने भी नहीं देता। चंद्रभान, सक पक्का कर, आई एम सॉरी सर। भोलानाथ, वही बनी हुई मुस्कुराहट, लेकिन मैं आपसे नाखुश नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि आप जैसे युवक को ठीक राह दिखला सकूं। एक जमाना था कि मैं आपकी तरह सपनों की दुनिया में बसेरा लेता, लेकिन अब मैं जानता हूं कि यह सब फिजूल है, ये थोती बातें। अगर तुम पत्तियों की पुकार सुनते रहे या बादल के टुकड़ों और गीतों के स्वर पर मोहित होते रहे तो बुरी तरह ठोकर खाओगे, बुरी तरह। तुम नौकरी करने आए हो, कोई खिलवाड़ करने तो नहीं आए हो? कविता, गीत, प्यार, छी, जानते हो तुम जिंदगी के द्वार पर खड़े हो। चंद्रभान कुछ दबे स्वर में कहता है, हाँ जानता हूँ।